बिग बॉस 17 में ईशा मालविया के पिता आशीष मालविया की एंट्री हुई। लाइव फीड के मुताबिक अन्य घर वालों की ही तरह ईशा के एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार भी उनके पिता से मिलने के लिए खड़े थे। हालांकि ईशा के पिता ने अभिषेक को टोटली इग्नोर कर दिया, उन्होंने उनसे बात तक नहीं की। उन्होंने सब कंटेस्टेंट से बात की लेकिन अभिषेक से बात नहीं की। इतना ही नहीं, आशीष मालविया ने अपनी बेटी को समर ज्वेल और अभिषेक से दूर रहने की सलाह तक दे डाली। आशीष मालविया ने ईशा से समर्थ और अभिषेक के बारे में बात करते हुए कहा कि सोलो खेलो 15 दिन, बढ़िया अपना कंटेंट दे अकेले, इन दोनों से 10-10 फीट दूर रहे। इस पर ईशा कहती है कि क्या बापू, अब किसी से जबरदस्ती तो लड़ाई नहीं कर सकती हूँ ना मैं। जवाब में उनके पिता कहते हैं कि लड़ाई की बात नहीं है, दोनों लोगों से 10-10 फीट दूर रहे। ईशा मुन्नवर को अपना कॉम्पिटिशन नहीं मानती लेकिन उनके पिता मुन्नवर के बहुत बड़े फैन निकले। बिग बॉस 17 में एंट्री लेने के बाद ईशा मालविया के पिता आशीष मालविया ने मुन्नवर के साथ शेरोशायरियां भी की। उन्होंने ये तक कह डाला कि जिस जज्बे के साथ आप अपनी बात करते हैं और जिस तरीके से आप अपनी बात रखते हैं वो इतना खूबसूरत होता है कि सामने वाला कोई भी हो वो आपकी बात सुनने पर मजबूर हो ही जाता है, और सही शायर भी वही है। मुन्नवर अपनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।